हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुकेश जी जितने बेहतरीन कलाकार थे उतने ही आला दर्जे के इंसान भी थे। एक वाकया बताता हूं मुकेश जी से जुड़ा हुआ। एक बार उन्हें दिल्ली जाना था कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ और विश्वास फिल्म के लिए एक गीत रिकॉर्ड करना था। क्योंकि उस गीत की शूटिंग होने वाली थी तो कल्याण जी आनंद जी ने यह तय किया कि फिलहाल किसी से भी गाना गवा लिया जाए, जिसे स्क्रैच रिकॉर्डिंग आज कहते हैं ना, और बाद में मुकेश जी की आवाज में फाइनल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सुमन कल्याणपुर के साथ गाना था तो कल्याण जी आनंद जी ने एक नए सिंगर मनहर उदास से ये गाना गवा लिया। गाना रिकॉर्ड हो गया और उसी गाने के ऊपर शूटिंग हो गई। बाद में मुकेश जी उस गीत को रिकॉर्ड करने जब स्टूडियो में आए और जब उन्होंने उस गीत को सुना तो मुकेश जी ने पूछा, बहुत अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया आवाज है, जब ये नई आवाज परफेक्ट लग रही है तो मेरी आवाज की जरूरत क्या है। कल्याण जी आनंद जी भाई ने कहा, नया लड़का है, आप गा देंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। हमने तो सिर्फ शूटिंग के लिए डमी आवाज ले ली थी इसकी, लेकिन मुकेश जी मनहर उदास की कलाकारी से इतने प्रभावित हो गए कि कल्याण जी आनंद जी के बहुत कहने के बावजूद मुकेश जी नहीं माने। और फिर मुकेश जी ने सबको कन्विंस कर दिया कि मनहर उदास की आवाज ही इस गीत के लिए बेहतर है। और इस तरह मनहर उदास का पहला गाना पर्दे पर आया। देखो, मुकेश जी की जगह अगर कोई और दूसरा सिंगर होता तो नई आवाज को, नए टैलेंट को पनपने नहीं देता, है ना, इनसिक्योरिटी की वजह से। लेकिन जो अंदर से भरे हुए कलाकार हैं उनको इनसिक्योर्ड होने की कभी कोई जरूरत पड़ी नहीं। विश्वास फिल्म का ये गीत आपको बताना चाहूंगा। गीत था, आपको हमसे बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। नौशाद साहब और लीला चिटनिस जी से जुड़ा एक किस्सा। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर।